नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। उन जगहों को भी येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। लोगों को आगाह किया गया है कि इन जिलों में रहने वाले लोग खासतौर से आसमानी आफत से बचकर रहें। मध्य प्रदेश में किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कहां रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अब हम आपको बताएंगे। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, दरअसल वो भारी से भारी वर्षा की संभावना का है। करीब 115.5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के साथ साथ सतना, रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर कला, सागर, दमोह, पन्ना, अनूपपुर, डिंडोरी और उमरिया जिलों में। मौसम विभाग का मानना है कि इन जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और इसलिए इन तमाम जगहों को येलो अलर्ट में रखा गया है। इसके अलावा रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों के साथ साथ नीमच और मंदसौर जिलों को भी अलर्ट किया गया है। यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन भारी बारिश का नहीं बल्कि बिजली गिरने का। इसके अलावा मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और उज्जैन, ग्वालियर संभाग के कई जिलों में बारिश हुई है। इसके अलावा शहडोल, सागर, चंबल संभाग के जिलों में भी बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटों में मोहखेड़ा करके जो जगह है वहां पर 19 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भोपाल शहर में भी बीते 24 घंटों के दौरान करीब करीब 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ खासतौर से भोपाल में अगर देखा जाए तो दो दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव भी देखने को मिला है। रविवार को भोपाल में जबरदस्त बारिश के बाद सभी जो डैम है, भोपाल के भदभदा डैम हो, कालियासोत डैम हो, केरवा डैम हो या कोलार डैम हो, सभी के दरवाजे खोल दिए गए थे। इसके अलावा भोपाल में सोमवार को भी मूसलाधार बारिश हुई है सुबह, जिसके बाद कई जगहों पर जलजमाव की शिकायतें भी आई। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरीके से वेदर पैटर्न फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, अगले 24 घंटों में भी कई जगह मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई जगहों पर नदी नाले जो है उफान पर है, इसलिए प्रशासन ने निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया है।